स्वागत है आपका देसी मम की रसोई में। चलिए आज बनाते हैं अमरूद की सब्जी। चलिए यहाँ सोन करते हैं, इसमें डालते हैं घी। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा जीरा। जीरा भुन गया है, अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी हींग। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर का पल्प। जब तक मसाला तैयार होता है तब तक हम अमरूद काट लेते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। अमरूद का बीज हम निकाल लेंगे क्योंकि बीज इसका बहुत सख्त होता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता, तो बीज इसलिए हम सबका निकाल लेंगे। मसाला बनके तैयार है, तो अब इसमें डालते हैं हल्दी, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। देखिए मसाला एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो गया है। इसमें डालते हैं अमरूद। अमरूद हमने धो के तैयार कर लिए थे। दो से तीन मिनट इनको ऐसे भून लेंगे। देखिए अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि अमरूद थोड़ा सा नरम हो जाएगा। फिर इसमें डालेंगे पानी। देखिए मसाला भून के तैयार है, अमरूद भी भून के तैयार है। अब इसमें डालते हैं आधा गिलास पानी। और थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया और आधा चम्मच चीनी। अब इसको 5 मिनट और पका लेते हैं। ढक्के 5 मिनट और पका लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए चेक करते हैं सब्जी कैसे बनी है। देखिए गाइस सब्जी बनके एकदम तैयार है, फर्स्ट क्लास सब्जी बनी है। चलिए सर्व करते हैं और गैस करते हैं ऑफ। अमरूद की खट्टी मीठी सब्जी बनके तैयार है। बताइए कैसी बनी है, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देसी मोम की रसोई।